हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड में। आज हम दोस्तों कल हुए पेपर की आंसर की अपलोड करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न, किसी भी रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे आंसर प्राप्त कर सकता है या कमेंट के माध्यम से आंसर प्राप्त कर सकता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी डी और ई पांच पुस्तकें हैं। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी? दोस्तों यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों बी निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और बीना दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां इन दोनों के बीच में हैं? इसका दोस्तों एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है। आपने दोस्तों यहाँ पे रखना होता है जैसे कमला और यहाँ पे बीना, यहाँ पे रखना है 9, यहाँ पे रखना है 16। उसके बाद कहता है दोस्तों तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यहाँ पे रखना है दोस्तों आपने 25, इन दोनों का गैप देखना है कितना, 16। 16 आपने करना है इसमें ऐड 16। यानी यदि पूछा जाता कि कुल कितनी है तो बताते हम 32, और इनके बीच का गैप पूछा है दोस्तों कितना है, 7 - 1 यानी 6। ये इसकी शॉर्ट विधि है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दोस्तों तो बहुत ही आसान है, आप ड्राइंग करें। ये देख सकते हैं आप, 4 इधर की तरफ होता है और जो जो 4:30 की घड़ी होती है मिनट की, वो नीचे होती है। यदि आप इसे पूर्व की तरफ मानेंगे इधर, तो वो दोस्तों आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3, दक्षिण पूर्व। इसका दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियां, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, देखता है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है? दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिम। यदि किसी भी रीजनिंग के प्रश्न में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। क्या बता रहे हैं दोस्तों? पहले दक्षिण में जाता है 9 किलोमीटर, तब पूर्व में जाता है 3 किलोमीटर, और तब दक्षिण में जाता है 3 किलोमीटर। इसके बाद मुड़ता है पश्चिम में जाकर, मुड़ता है और पश्चिम में जाकर 8 किलोमीटर मुड़ता है। तो दोस्तों हम देखेंगे ये भी 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, यानी जो ये बीच का गैप था ये था 5। 5 और 3 हमें निकालना है, ये 3 और 9 12, और ये था 5। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी दोस्तों, h² = p² + b² तो 9 और 3 12, 12² + 5² = 144 + 25 = 169, और 169 किसका अंडर रूट, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये है 13 का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13। क्वेश्चन 6 है दोस्तों, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, तो जे का डी से क्या संबंध है? इसका आंसर है दोस्तों भांजा। 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये तो दोस्तों आप बिना ट्रिक के भी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 96 से आप 97 में जाएंगे, तब 98, 99, 2000, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 96 का भी वर्ष लीप ईयर है और 2000 का भी लीप वर्ष है, तो दोनों में देखना है आपने कितने दिन जुड़ने हैं। प्रश्न 8 है दोस्तों, 15 जुलाई 1768 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों शुक्रवार। इसका आंसर होगा शुक्रवार। इसके बाद जाएंगे हम प्रश्न 9 पे। किसी कैलेंडर लीप वर्ष में मार्च के समान अगला माह कौन होता है? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसका आंसर होगा नवंबर। किसी भी लीप ईयर में मार्च, फरवरी और नवंबर के जो माह होते हैं वह समान दिन के होते हैं। 1993 के समान, 10वां क्वेश्चन है, 1993 के समान अगला वर्ष कौन सा होगा? तो यह होगा 2009। बीते कल से पहले दिन से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है, तो आज कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो आज का दिन होगा दोस्तों शुक्रवार। 11 का डी दोस्तों।
इसके बाद हम 12 देखेंगे दोस्तों। कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो बुधवार शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, ये हमें ऑड डे लेके सॉल्व करना होता है। यदि मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री कोण बना रही है तो घड़ी में समय होगा। देख सकते हैं हम दोस्तों, ये 12 है, 1 2 1 2 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है दोस्तों, ये स्थिति तो ये होती है दोस्तों 120 डिग्री। ये कितना होता है दोस्तों, 120 डिग्री यानी कितना बज रहा होगा दोस्तों, 4। 13 का ऑप्शन होगा दोस्तों 4। 14 का ऑप्शन होगा दोस्तों 6 से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट के सुई और घंटे की सुई के बीच 3 मिनट का फर्क होगा दोस्तों, तो यह होगा 6:36 पर। किसी लंबवत दर्पण में समय 1:30 बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, 10:30। 12:00 से आपको 12:00 से आपको 1:30 माइनस करना है तो क्या आएगा आंसर, 10:30। जब दर्पण का क्वेश्चन दिया हो तो आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। इसके बाद दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच कौन से दोनों सुइयों का 180 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, तो इनमें से सारे ऑप्शन गलत थे। इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। आप दोस्तों कमेंट में यहाँ सॉल्व करके बताएं कैसे होगा। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक षष्ठभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। दोस्तों आप मेज ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, और ये इनके कोने बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से बिठा सकते हैं। तब इनका आंसर आएगा दोस्तों, ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है? ई तथा ए के बीच में जो बैठा है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, वह है ऑप्शन डी। उसके बाद 18 है, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है दोस्तों, वह है ई। सी के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों, 19 का आंसर है ए। बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा है तो वो रहा है सी। इसके बाद 21 दोस्तों की 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो ये तो हमें पता है जहां कॉमन होता है हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, 2 5 3 2 1 6, तो 3 के पीछे क्या है दोस्तों, 6। इसका आंसर होगा 6। किसी कूट भाषा में इसका आंसर जो दोस्तों होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 23 का ऑप्शन है दोस्तों, यदि फिश को EHRG लिखा जाता है तो जंगल को क्या लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा ITMFKD। आप देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ एक एक घटाया है, F से एक माइनस करें, E I से एक माइनस करें, H S से एक माइनस करें, R H से एक माइनस करें, G। सिमिलरली आप जंगल में भी यही फॉलो करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आएगा। ड्रॉप्स को किसी सांकेतिक भाषा में HKLIW लिखा जाता है तो डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों जैसे यह डी की पोजीशन है 4, जो है 27, 27 में से जो लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, जब हमें अल्फाबेट के अगले क्रम से शुरू करना पड़ता है, तो 27 माइनस 4 यानी 23W, 27 माइनस 18, आर की वैल्यू होती है 18 यानी 9, 27 माइनस O यानी 15 इजिकल टू 12 यानी L। ऐसे ही क्रम में दोस्तों आपने यह सॉल्व करना है। विषम चुनिए दोस्तों, AFI यानी 169, 169, आपको इनकी पोजीशन टिप्स पे होनी चाहिए दोस्तों। 169 इजिकल टू 13, 13 पे आता है M। सिमिलरली 144 इजिकल टू L यानी 12। BEF 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का, ये सब स्क्वायर रूट है, जबकि 131 13 का स्क्वायर नहीं होता है, तो विषम होगा ये वाला। और इसमें जो दोस्तों ऑप्शन होगा 24 का, वह होगा D, और 24 का D है दोस्तों, और 25 का C है। इसका दोस्तों प्रश्न 26 है, गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख में नागपति नाग के अतिरिक्त किस नेपाली शासक का नाम मिलता है दोस्तों, तो वह अशोक चल, जिसने 1191 में उत्तराखंड की भूमि पर आक्रमण किया था कुमाऊं पर। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र से मिलता है दोस्तों, तो यह है कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था दोस्तों 28 का होगा, सी भूदेव ने। अकबर से मिलने लाहौर कौन सा शासक गया था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा रुद्रचंद। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है, तो यह है ऐत्रेय ब्राह्मण। आदि गुरु शंकराचार्य ने किस राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड में पदार्पण किया था, कत्यूरी में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, देहरादून का सुल्तान, महावीर त्यागी गिरधा, गौरीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, बद्रीदत्त पांडे या गौरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गिरधा गौरीदत्त पांडे। किस जनजाति को केदारखंड में भील कहा जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा 33 का ए,
यानी जो किरात हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है ए, मतलब उन्हें कहा जाता है भिल, कहा जाता है केदारखंड में। इसके बाद दोस्तों 34 क्वेश्चन देखेंगे हम। थारू लोग स्वयं को किसका राजवंशज मानते हैं दोस्तों? यह महाराणा प्रताप यानी सिसोदिया वंश के वंशज मानते हैं अपने को। विवाह की सगाई रस्म को थारू क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दिखनोरी या अपना पराया। जौनसारी जाति की ग्राम पंचायत को कहा जाता है खुमरी, और जो ग्राम का प्रधान होता है उसे कहा जाता है सयाना, और जो खतों 3 से 4 गांव मिलाकर खत बनते हैं, तो जो एक खत का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं सदर सयाना। फादर ऑफ जौनसार बावर से सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों भाव सिंह चौहान। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से जुड़े हुए हैं और पहले व्यक्ति हैं जो इलाहाबाद व मसूरी विश्वविद्यालयों से जिन्होंने पढ़ाई की है। जौनसारी महिलाएं द्वारा सिर पर पहनने वाले कपड़े को कहते हैं डाटू, और डिगुबा होती है टोपी, और झंगोली होती है पैजामा जो उनके पुरुष पहनते हैं। लाडू और साकुली नामक पकवान किस मेले में बनाए जाते हैं दोस्तों? तो यह बिस्सू मेले में मनाए जाते हैं। थारुओं द्वारा किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC वाला प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों चंपावत, सर्वाधिक 41 का सी। दोस्तों यहाँ प्रतिशत की बात की गई है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन 41 को जरा आप देख लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में इसका सही आंसर करके बताऊंगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों, सबसे कम वह है दोस्तों रुद्रप्रयाग। यहाँ मात्र 398 ST लोग रहते हैं। इसके बाद दोस्तों 43 है, कौन सी औषधीय वनस्पति का निर्यात फ्रांस को किया जाता है दोस्तों? तो यह है झूला, इससे दोस्तों गरम मसाला व अन्य प्रकार के मसाले बनाए जाते हैं। 44 है, बायोडीजल के लिए राज्य में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो रतन जोत, जिसे जेट्रोफा भी कहा जाता है, आपने बहुत सुना होगा दोस्तों जेट्रोफा। इंडियन मेडिसिन या मेडिसोन लिखा रहता है कहीं कहीं, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है दोस्तों मुहान अल्मोड़ा में। 46, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो वह है पुष्पावती। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व किस जनपद में स्थित है दोस्तों? नैनीताल। आपने बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की। निम्न में से क्या उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यह है जजुराना, जो कि अब इसे वेस्टर्न ट्रैगोपन कहा जाता है, जो कि अब हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। हिमाचल का राज्य पक्षी अब मोनाल नहीं है, वह है जजुराना। पूरी धौली गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो वह है काली नदी की। निम्न में से किस ताल का जल उबलता है? तो यह दोस्तों फचकंडी बया ताल, फचकंडी बया ताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य में 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई तक कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो यह अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। इसके बाद निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व तिब्बत को नहीं जोड़ता? तो दोस्तों यह सांग चोकला है, यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, बाकी तीन चमोली व तिब्बत का जोड़ते हैं। पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य नहीं रचा गया दोस्तों? तो यह सैनिक शास्त्र था, यह सैनिक शास्त्र था। बाकी मानोदय काव्य, सुदर्शन काव्य, सुदर्शनोदय काव्य या गढ़ राजवंश, यह तीनों इनके काल में ही लिखे गए। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था समय विनोद अल्मोड़ा अखबार में, कंफ्यूज मत होना। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं NS बिंद्रा। लोकसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? तो 530, और 20 होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और बाकी 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनमें से भी अभी यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 20 में से 13 आते हैं, वह कुल मिला के 530, 13 व 2 मिला के अभी वर्तमान सदस्य संख्या है 545। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह है दोस्तों, इसका आंसर 57 का सी। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न 58, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 58 का बी, अनुच्छेद 7।
अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 7। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण जितने भी ये सम्मान है यह 18 के तहत दिए जाते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 60वें का आंसर है, 39 का। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो ये दोस्तों महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको सोच समझ के करिएगा। राज्यसभा में यह पारित होता है, तब लोकसभा इसमें सहमति भरती है और अल्टीमेटली राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने समय तक प्रवर्तन में रहती है दोस्तों? तो 63 का आंसर होगा, बी, 1 माह। उसके बाद यदि नहीं होता है तो वह कानून समाप्त हो जाता है। कौन सम्मिलित नहीं है? विधि निर्माण प्रक्रिया फ्रांस, वित्तीय आपात अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघीय व्यवस्था कनाडा। दोस्तों जो आपने सुना होगा जो आपात व्यवस्था है वह जर्मनी से ली गई है, लेकिन जर्मनी से सिर्फ दो राष्ट्रीय आपात व राष्ट्रपति शासन लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात अमेरिका से ली गई है। इसका आंसर होगा दोस्तों विधि निर्माण प्रक्रिया, 64 का आंसर, ए। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा नहीं गया अर्थात मूल संविधान में था? तो दोस्तों याद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष व अखंडता 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो यह 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें नमक यानी फॉर्मूला है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जबकि 1967 में जोड़ा गया था दोस्तों सिंधु सिंधी को, और 2003 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था दोस्तों बोडो मास, फॉर्मूला है बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और कुल मिला के हमारी कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं, जो कि 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? तो वह JL नेहरू ने, जबकि मौलिक अधिकारों के समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों HC मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो वे थे अलीजा एमपे। और आज का लास्ट प्रश्न, किस एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वह था 1919। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शाम को मैं PC इंस्टीट्यूट का प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा, जो कि संडे को पेपर आयोजित कराते हैं दोस्तों। यदि कोई देहरादून का अभ्यर्थी संडे को ग्रुप सी या SSC CHSL की प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहता है दोस्तों, तो वह PC इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट करा सकता है, जिनका नंबर है दोस्तों 9557561255। ये दोस्तों मात्र 300 रुपये में महीने के 4 संडे, यानी महीने में 4 संडे आते हैं, तो 4 या फिर 5 संडे जितने भी होते हैं उनमें यह प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।